तमस्कंद अध्याय 5 श्लोक 23 से प्रहराद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णुस्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनं इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणां क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। हिरण्यकश्यपु ने वात्सल्य रस से भावित हृदय से प्रहलाद को बहुत लार प्यार से निहारा और पूछ दिया, गुरुओं ने जो तुम्हें शिक्षा प्रदान की है उनमें कोई बहुत प्रिय लगने वाली शिक्षा हो तो मुझे बताओ। पहले हिरण्यकश्यपु ने यह प्रश्न कर दिया था कि तुम्हें जो सबसे उत्तम शिक्षा लगती है उसे बताओ। प्रहलाद ने अपने मनोभाव को व्यक्त किया कि व्यक्ति प्रवृत्ति से उपराम होकर वन में रहकर निवृत्ति परायण जीवन व्यतीत करे, भगवान विष्णु की आराधना कर निःश्रेयस प्राप्त करे, इसी को मैं सर्वोत्तम मानता हूँ। लेकिन शापित होने के कारण भगवान विष्णु के प्रति द्रोह का लंबन लेकर ही हिरण्यकश्यपु अपने उद्धार का बानक बना सकता था। उसने ठहाका मारकर कहा, बच्चे कुसंग पाकर बिगड़ जाते हैं, इस बच्चे को किसी ने पोल पट्टी सिखा दी या मेरे शत्रु विष्णु का यशोगान करता है, घर या बाहर कहीं न कहीं विष्णु के दूत भक्त अनुगामी हमारी भावना के विरुद्ध इसकी गतिमति स्थिति को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। बहुत सावधान रहने पर भी घर में कहीं न कहीं से धूल की पहुंच हो जाती है, धूली आ जाती है, रजकण आ जाते हैं, वायु का प्रवेश हो ही जाता है, मच्छर इत्यादि भी कहीं न कहीं से घर में प्रविष्ट हो जाते हैं। वैसे ही विष्णु का कोई भी अनुगामी हमारे शासन क्षेत्र में न रहे, विशेषकर राजभवन में और राजधानी में निवास न करे, शिक्षा पद्धति भी ऐसी हमारे द्वारा उद्घोषित की गई है जिसमें भगवान विष्णु का यशोगान न हो, साम दाम भेद और दंड
चार नीतियों की प्रधानता से शिक्षा हो, धर्म का भी केवल उतना अंश मान्य हो जो साम दान भेद और दंड नीति में सहयोगी सिद्ध हो। फिर भी इस बच्चे को किसी ने बरगला दिया, आखिर यह बालक है ना, अपने पराये का इसे ज्ञान नहीं है। तोता रटंत की तरह इसने विष्णु का यशोगान किया। आगे ऐसा ना हो संडामर्क को भी समझाया, वेतन भोगी होने के कारण, राजसेवक होने के कारण संडामर्क ने स्नेह पूर्वक पहले प्रहलाद को समझाया और बाद में आँख तरेर करके भी, शरीर दिखा करके भी वाचनिक प्रताड़ना के द्वारा प्रहलाद को कुमार्ग से बचाने का प्रयास किया। तो नास्तिक होते हैं या भगवान के विद्रोही होते हैं, वे सतपथ को कुपथ समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के अनुसार तमोगुण की जब प्रगल्भता हो जाती है, बुद्धि तमोगुण से आक्रांत हो जाती है, तमोगुण बुद्धि में समाविष्ट हो जाता है, तब सर्वथा विपरीत बुद्धि का उदय होता है। लेकिन विपर्यय से जो ग्रस्त होते हैं उनको धर्म मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चलना ही विपर्यय परिलक्षित होता है। वे विष्णु भक्त को, श्रीमन्नारायण के सेवक को, उनकी समर्चा को, उनके यशोगान को उचित नहीं मानते, बल्कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान विष्णु का यशोगान करता हो, भगवान की आराधना में तन्मय रहता हो, उसे वंश कुठार या चंदन के वन में कोई बबूल का वृक्ष मान लेते हैं। उस समय बाद प्रहलाद को अच्छी प्रकार हिरण्यकश्यपु के भावना के अनुसार प्रशिक्षित करने के अनंतर उन राजसेवक गुरुओं ने हिरण्यकश्यपु के सम्मुख बाल गोपाल प्रहलाद को प्रस्तुत किया। भक्ता प्रवर प्रहलाद की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, गुरुजी जो पढ़ाते पूछने पर बहुत परिष्कृत ढंग से प्रहलाद उसे बता देते, लेकिन गुरु समझ गए थे कि घर की शिक्षा पद्धति भी इसकी विष्णु आराधना के विपरीत है। हम राजसेवक हैं, प्रतिबंधित हैं, हम भी इसे अपवर्ग की अध्यात्म की शिक्षा नहीं देते, विष्णु का यशोगान बिल्कुल नहीं करते। फिर भी इस बालक ने पूछने पर स्वयं बताया कि जैसे जंग आदि कालुष्य दोषों से विरमुक्त लोहे को गुरुत्वयुक्त चुंबक का सान्निध्य सम्मुख प्राप्त हो जाए, तो लोहा सर्वतोभावेन चुंबक की ओर ही समाकृष्ट होता है, वैसे ही मेरी निसर्ग सिद्ध भावना प्रीति भगवान विष्णु के प्रति है, यह आरोपित नहीं है, भगवत कृपा से पूर्व जन्म से ही यह सुलभ है। गुरु सावधान थे, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने भी जो प्रश्न किया, गुरुओं से प्राप्त शिक्षा में जो तुम्हें सबसे
उत्तम शिक्षा लगती हो उसको बताओ। अब प्रश्न उठता है कि विद्या गुरु शिक्षा गुरु तो इस जीवन में संडामर्क ही उनको मिले। शुक्राचार्य के लिए श्रीमद् भागवत के इस संदर्भ में भगवान शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन उनके पुत्र संडामर्क के लिए राजसेवक शब्द का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ क्या है? धन की दासता के कारण, राजाज्ञा का अनुपालक होने के कारण, अंधानुकृति के कारण, विवेक को ताक पर रखकर व्यवहार करने के कारण संडामर्क उत्कृष्ट अध्यापक नहीं गिने गए, राजसेवक तुच्छ व्यक्तित्व से संपन्न गिने गए। यह अर्थ की दास्ता बहुत दूर तक प्राप्त होती है। धन मान प्राण परिजन के प्रति प्रीति और प्रवृत्ति अर्थ की दास्ता मान्य है। प्रहलाद ने समझ लिया कि पिताजी प्रश्न कर रहे हैं कि संडामर्क महोदय ने, तुम्हारे गुरुओं ने जो तुम्हें शिक्षा दी हो उसमें जो उत्तम शिक्षा हो, जिसका अभ्यास तुमने विधिवत पूर्ण रूप से किया हो, जिसकी अभिव्यक्ति में तुम्हें किसी प्रकार संकोच या अवरोध का अनुभव ना होता हो, वो बताओ। लेकिन भक्त प्रवर प्रहलाद ने समझा, अपने पिता के मनोभाव को परखते हुए भी, कोई संडामर्की हमारे तोरे गुरु हैं, पूर्व जन्म में भी तो गुरु हुए देवर्ष नारद जी। जब मैं माँ के गर्भ में था तब देवर्ष नारद पूर्व जन्म का अर्थ हुआ गर्भ, जन्म से पहले इसी जीवन में, जन्म से पहले माँ के गर्भ में था तब, उससे पहले भी मैंने जन्म लिया है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। पूर्व पूर्व जन्मों में जो गुरु प्राप्त हुए उन्होंने जो मुझे शिक्षा दी, जिसके प्रभाव से मैं भगवान विष्णु के प्रति अनुरक्त हूँ, उसी को बताना उचित है। प्रहलाद में संबंध और सत्य दोनों के निर्वाह की अद्भुत क्षमता थी। पिताजी को बहुत आस्थापूर्वक प्रणाम किया। यह संबंध का निर्वाह, गुरुओं का समादर करते थे, संबंध का निर्वाह, सखाओं के साथ उचित व्यवहार करते थे, खेलते कूदते थे, संबंध का निर्वाह। लेकिन आस्था के केंद्र भगवान विष्णु थे, तो संबंध का निर्वाह और सत्य के प्रति आस्था, दोनों का सामंजस्य। पिता आगे जो भी दंड देंगे, इतिहास की दृष्टि से दे चुके, कथा की दृष्टि से देंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। पिता के विरोध में मुर्दाबाद या संगठन तैयार करने का या लोहे लाठी का दंडे का अपशब्दों का कोई उपयोग प्रहलाद ने नहीं किया। प्राप्त यातना को धैर्यपूर्वक सहा, अपनी निष्ठा के बल पर ही वे सुरक्षित रहे। मनुस्मृति में बहुत अच्छा संदेश दिया गया है, ब्राह्मण ब्राह्मणोचित विधा से ही अपने को सुरक्षित रखे, राजाश्रित होकर, शासन तंत्र का आश्रित होकर अपनी सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त न करे। इसका अर्थ है कि ब्राह्मणों का दायित्व है कि ब्रह्म तेज के बल पर, समदमादि के बल पर ही स्वयं को सुरक्षित रखे, अंगरक्षक आदि के बल पर, शासकीय सुरक्षा के बल पर स्वयं को सुरक्षित न समझे। ब्रह्म तेज से वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब क्षात्र भावापन्न क्षत्रिय कुल में उत्पन्न
विश्वामित्र थे, सकल शास्त्रों में पारंगत होते हुए शस्त्र विद्या के भी महारथ थे। उन्होंने जितने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, वशिष्ठ जी ने केवल एक ब्रह्मदंड गाड़ दिया था, उस ब्रह्मदंड के सामने शास्त्र बल का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। दिग्वलम कहकर क्षत्रियों के तेज को धिक्कारते हुए ब्रह्म तेज की प्रशंसा की विश्वामित्र जी ने। इसका मतलब शास्त्रों में लिखा है, पत्थर पर टकराकर मिट्टी के ढेले चकनाचूर हो जाते हैं। इसी प्रकार क्षत्रियों का उद्गम स्थल ब्राह्मण सिद्ध होते हैं। क्षत्रिय अपना पराक्रम अन्यत्र दिखाकर सफल हो सकते हैं, जब वे ब्राह्मण से भिड़ जाते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि अपने उद्गम स्थान से टकराना उचित नहीं। तो ब्राह्मण अपने ब्राह्मणोचित तेज से, तप से ही सुरक्षित अपने आप को रखे, किसी कृत्रिम विधा से नहीं। तो एक संकेत किया गया, प्रहलाद ने भी जो यातना उसे पिता के द्वारा प्राप्त हुई, बिल्कुल उद्वेग विहीन होकर उस यातना को सहने का ही प्रयास किया, और पिता के द्वारा प्राप्त विविध प्रकार की यातना उसके बाल बांका करने में भी सफल नहीं हुई। कारण वे ब्रह्म तेज से उपब्रह्मित थे, समन्वित थे, मन में अहिंसा का भाव था, समदमादि का भाव था, सर्व प्राणियों के हितैषे हितज्ञ, हित करने में तत्पर और समर्थ थे। अपनी निष्ठा के द्वारा ही प्रहलाद सुरक्षित थे। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग ने जय जय होय सो स्यंदन आना कहकर उस रथ का वर्णन किया है जिसके फलस्वरूप विजयश्री प्राप्त होती है। युद्ध भूमि में कवच इत्यादि भी अंगरक्षक सिद्ध होते हैं, लेकिन जहाँ धर्म वहाँ विजय, यतो धर्मस्ततो जयः, सत्यमेव जयति नानृतम् सत्यमेव जयते नानृतम्। इसका अर्थ यह है कि बाहर से पांडवों ने जितना बन सका सैन्य बल प्राप्त किया, क्षत्रिय थे, लेकिन उनकी जो विजय हुई, सेना की दृष्टि से दुर्बल होने पर भी, धन की दृष्टि से अत्यंत दुर्बल होने पर भी विजयश्री प्राप्त कर सके, वो सत्य के बल पर, धर्म के बल पर, बाह्य उपक्रम के बल उपोद्बलक होते हैं। वस्तुस्थिति यह कि सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपनी निष्ठा के बल पर, धर्म के बल पर ही सुरक्षित रहता है। धर्म वन में, व्याघ्रों के बीच में, हिंसकों के बीच में भी व्यक्ति की रक्षा करने में समर्थ है। फिर धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य, कहीं व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित हो, अपवर्ग का पक्षधर हो, स्वयं को अनश्वर आत्मस्वरूप सच्चिदानंद ही मानता हो, विश्व में उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। एक प्रकार से लोक में कहावत है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। दूसरी बात है कि आ बैल तू मुझे मार। प्रहलाद चाहते तो संकट से बचा सकते थे स्वयं को, मन ही मन भगवान का भजन करते, मन पर कितना कौन रोक लगाएगा मन पर कितना कौन रोक लगाएगा। अपने पूजन कक्ष में चित्र आदि भगवान विष्णु का न रखकर नाम जपते कौन मारता। 24 घंटे तो भगवान ही साक्षी होते हैं। पिता के पूछने पर यहाँ तो बच सकते थे, गुरुओं ने जो शिक्षा दी उसमें जो तुम्हें सबसे उत्तम शिक्षा लगती है वो बताओ। संडामर्क ने तो कोई विष्णु भक्ति की बात नहीं कही, लेकिन प्रहलाद ने उसको किस रूप में लिया, इस जन्म के, माँ के गर्भ के,
पूर्व जन्मों के गुरुओं ने जो शिक्षा दी और वेदादि शास्त्रों के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त हुई है, उसका सारांश तो यही है कि भगवान विष्णु की नवधा भक्ति के बल पर व्यक्ति भवसिंधु उतर सकता है। इसका अर्थ यह है कि आ बैल तू मुझे मार, निष्ठा को गुप्त न रख कर प्रकट कर दिया। एक हमारे बहुत ही आस्थास्पद अवधूत थे हिमालय में, उनका नाम किसी को नहीं मालूम, उनकी जन्मभूमि किसी को नहीं मालूम, उनकी जाति भी किसी को नहीं मालूम। बद्रीनाथ में उनसे परिचय हुआ था। हम 3 महीने साथ साथ रहे थे, दिन में, रात में हम कहीं तप्त कुंड के पास लेट जाते, कहीं कहीं रात में वो भी कहीं लेट जाते, दिन में लगभग 10 घंटे उनके पास रहते बद्रीनाथ जी के प्रांगण में ही। हमको एकांत में बताया, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के वो संत थे, ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन कहा कि इसका प्रचार प्रसार मत करना। तो वो उन्होंने एक दिन बताया कि वेश्या भी साइन बोर्ड लगा देती है कि ये वेश्या का स्थान है। तो भगवान के मार्ग पर चलना है तो उसमें संकोच किया, डंके की चोट से चलो, लेकिन दम्भ नहीं होना चाहिए। दम्भ से बचते हुए आराधना कम और ढिंढोरा ज़्यादा, भजन को पहले पचाने का प्रयास करना चाहिए, बाद में बाह्याभ्यंतर उच्छलित रूप जब भजन का हो जाता है तो प्रहलाद जैसी स्थिति होती है। प्रहलाद चाहते तो गुरुओं ने जो साम दान दंड भेद इन 4 नीतियों की शिक्षा दी थी बता देते, गुरु पिताजी बहुत प्रमदित हो जाते, उनके गुरुओं को भी पुरस्कार प्राप्त होता पर्याप्त। लेकिन पिताजी के आक्रोश का अनुमान लगा करके भी आखिर पिता के उद्धार का बानक बनाने के लिए उन्हें जो कहना था वह कह दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। यह श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रायः भागवत के कथावाचकों को याद भी है, और भक्ति शास्त्र के लिए यह वरदान स्वरूप वचन है। नवधा भक्ति के रूप में इसकी प्रसिद्धि भी पर्याप्त है। गौड़ी संप्रदाय के संतों ने इस श्लोक के आधार पर कई भक्ति परक ग्रंथों की संरचना भी की है। इसी के आधार पर विविध प्रकार के भक्ति मार्ग में जो रस हैं, सख्य वात्सल इत्यादि, करुण आदि, इसी प्रकार से दास्य भक्ति, इन सब को उद्भाषित भी किया है। पिताजी नवधा भक्ति, भगवान विष्णु की 9 प्रकार से भक्ति होती है। श्रवणम, भगवान के नाम रूप लीला धाम स्वभाव प्रभाव का श्रवण यह भक्ति है। वेदांत मार्ग में आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य है, श्रवण तो चाहिए। श्रवण श्रोत्रिंद्रिय है, गुरुमुख से श्रवण करेंगे शास्त्रीय विधा से गुरु प्राप्त हों, और गुरुमुख से श्रवण करेंगे तो उसका नाम श्रवण होगा। कीर्तनम, जिस तत्व का श्रवण किया, भगवत तत्व का श्रवण किया, वाकेन्द्रीय के द्वारा उसका कीर्तन भी किया, निरूपण भी किया, तो श्रवण के बाद कीर्तन। विष्णु स्मरणम, यहाँ विष्णु पद का प्रयोग 9 स्थलों पर करना चाहिए। भगवान विष्णु का श्रवण करे, उन्हीं का कीर्तन करे, उनके नाम का कीर्तन करे, उनका यशोगान करे, वाणी का उपयोग और विनियोग तदर्थ ही करे। तदर्थे खिल चेष्टतम चेष्टतम स्मरणम, मन में भगवान का स्मरण करे,
पाद सेवनम, उनके चरणारविंद पादारविंद की सेवा करे, अर्चनम फिर उनका अर्चन भी करे, वंदनम वंदन भी करे, दास्यम भगवान को स्वामी अपने को सेवक मानकर उनकी आराधना करे, सेवक सेव्य भाव बिन भावना तरी उर्गार, दास्य भाव की परिपुष्टि हो जाए तब हृदय में सख्य भाव का उदय होता है, भगवान सखा हो जाते हैं। सख्य भाव की परिपुष्टि हो जाने पर अंतर्निहित माधुर्य भाव की अभिव्यक्ति होती है, व्यक्ति सर्वतो भावेन भगवान के प्रति देहेंद्रीय प्राणांतःकरण सहित स्वयं को समर्पित कर देता है, इसका नाम है आत्मनिवेदन। दास्य भाव, सख्य भाव, आत्मनिवेदन, इसी में वात्सल्य आदि का भी हो जाता है। वात्सल्य भाव जैसे यशोदा रानी के हृदय में है, नंद बाबा के हृदय में है, देवकी वसुदेव जी के हृदय में है, ऐसे ही वात्सल्य रस का अंतर्भाव कर दिया गया। दास्य रस, सख्य रस, रस रस का अर्थ क्या है? रसो वैसा है, रसस्वरूप परमात्मा है, उनकी अभिव्यक्ति के लिए रसस्वरूप परमात्मा में प्रीति प्रवृत्ति के लिए जो संबंध निर्धारित किया जाता है, संबंध होना चाहिए, उसके बाद में स्नेह प्रीति आस्था श्रद्धा होनी चाहिए, उसके बाद में समर्पण होना चाहिए पूर्ण रूप से। संबंध, स्नेह और समर्पण सगुण साकार परमात्मा के प्रति तीन। संबंध निर्धारित करें, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, संबंध निर्धारित किया गया पांडव गीता का यह वचन है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। संबंध कईयों को भाग्य से संबंध तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन स्नेह प्रीति से वो दूर रहता है। दुर्योधन को भी श्री कृष्ण से संबंध तो प्राप्त था ही, संबंध तो होना चाहिए। अभी तो हम बुद्धिपूर्वक संबंध प्रस्थापित करेंगे, वहाँ तो कौलिक संबंध भी हो जाता है। संबंध के बाद फिर क्या है? भगवान स्नेह के, प्रीति के, राग के विषय बन जाएं, फिर संबंध के बाद स्नेह, स्नेह के बाद में पूर्ण रूप से समर्पण अपने आप को कर दें। यही संबंध में पहले क्या करें? दास्य भाव, तू दयालु दीन हों, तू दानी हों भिखारी। तुलसीदास जी का विनय पत्रिका में यह पद है, बहुत बढ़िया। आप दानी हैं तो मैं दीन हूँ, आप दयालु हैं तो मैं दीन हूँ, आप दानी हैं तो मैं लेने वाला हूँ। वो ही तो ही नाते अनेक मानिए जो मानिए जो भाई, मेरे और आपके बहुत से नाते हैं, उनमें आपको जो रुचिकर लगे कोई एक संबंध स्थिर कर लीजिए। भगवान से कहा आप स्वामी हैं तो मैं सखा हूँ, ऐसा। हनुमान जी से राम जी ने पूछा, हनुमान नाटक, हमारे और तुम्हारे क्या संबंध है? हनुमान जी ने तीन प्रकार से संबंध को उद्भाषित किया। देह दृष्टि से विचार करें तो आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ। अंश की दृष्टि से विचार करें तो आप अंशी हैं, मैं अंश हूँ। तत्व की दृष्टि से विचार करें तो जो आप हैं वही मैं हूँ। तीनों प्रकार का, तीनों स्तर से संबंध हो गया। यह आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, आप अंशी हैं, मैं अंश हूँ। औपाधिक धरातल का अतिक्रमण कर लें तो जो आप हैं वही मैं हूँ, बहुत बढ़िया हो गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान जो हैं निरावरण कर्ण कुहरों से
गुरुमुख से विनिश्चित शब्दों के द्वारा मन में पहले प्रविष्ट होते हैं। श्रवण कथा हरि नाम मुख में हो। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बहुत बढ़िया कहा, श्रवण भगवान को पहले शब्द के द्वारा ही, उनके नाम का, रूप का, लीला का, धाम का, स्वभाव का, प्रभाव का, स्वरूप का चित्रण गुरु करेंगे। गुरु तो मुख से करेंगे, हम श्रोत्र के द्वारा, श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा श्रवण करेंगे। निरावरण कर्ण कुहरों के द्वारा भगवान को हृदय में प्रतिष्ठित होने दें। परब्रह्म का प्रतिपादन शब्द ब्रह्म के द्वारा होता है। गुरुमुख से भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम, स्वभाव, प्रभाव का श्रवण करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, मनन करते करते निधिध्यासन की स्थिति हो जाती है। कीर्तन जो है निधिध्यासन, कीर्तन में क्या, कीर्तन का अर्थ क्या हुआ, कीर्तनीय भगवान है, बार बार यशोगान कीर्तन, बार बार यशोगान नाम का संकीर्तन, रूप का वर्णन, ये सब कीर्तन। मनन उच्छलित हो जाता है तो उसी का नाम कीर्तन हो जाता है। फिर क्या करें, विष्णु स्मरणम, हर समय तो वाणी के द्वारा भगवान का कीर्तन नहीं करेंगे तो अतिरिक्त समय में जहाँ तक बन सके मन के द्वारा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। पाद सेवनम, पाद सेवनम का अर्थ क्या हुआ, उनके चरणों की सेवा। वेक्चुरिया मल थे हमारे शिष्य मुजफ्फरनगर में, बहुत साल पहले की बात है, उन्होंने हमसे पूछा तो उनका शरीर नहीं है, वैसे ठहरे, पहले दलाली का काम करते थे वो हमारे संपर्क में आने के बाद उन्होंने दलाली यह सब छोड़ दी, भजन करने लगे। तो हमने बताया भगवान के पंचोपचार पूजा करो, उन्होंने कहा गुरुजी वो हरियाणा परंपरा के थे तो हरियाणा की बोली विचित्र होती है, गुरुजी ये ताम झाम मत बताओ, फूल खरीदने जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, यूँ करूँ, सीधे बताओ। हमने कहा ठीक क्या बाहर जिसने भगवान के लिए भोग बनाकर निवेदित नहीं किया, मन से जब भोग बनाएगा तो उसमें कंजूसी होगी या नहीं। बाहर जिसने भगवान को इस जन्म में न सही पूर्वजन्म सही दो पुष्प नहीं चढ़ाया, मन से जब पुष्प चढ़ाएगा तो उसमें भी बबूल का फूल ढूंढने लगेगा, वो कमल का फूल तो ढूंढेगा क्या। मन से भी 1000 ब्राह्मण को निमंत्रण देना, उनको भोजन भरपेट देना कठिन होगा या नहीं। तो बाहर से अगर उसने कहा कि गुरुजी ये सब मत बताओ, रुपया खर्च करूँ, हाँ सबसे बड़ी बात है, फिर फूल लाऊँ, फिर बैठूँ, ढोंग करूँ, हाँ ये भी तो विचित्र ही भाषा वो लोग कहती थी, सीधे बताओ। हमने कहा अच्छा सीधे, तो हमने कहा सीधे बताते हैं, ये सब नहीं करोगे, पूर्व जन्म की साधना नहीं है, इस जन्म में करोगे नहीं, सीधे फिर पत्नी का, बेटे का, धन का, दलाली का चिंतन होगा इसीलिए पाद सेवनम, पाद सेवनम भगवान के पद का सेवन मन से, यहाँ पाद सेवन भगवान की समर्चा में, आगे है अर्चनम, पाद सेवनम पाद संवाहन, बढ़िया भगवान के लिए सही है ये सब मन से सेवा करना, अर्चन फिर वंदन भी, उधर था कीर्तन इधर वंदन, वहाँ था कीर्तन यहाँ वंदन है, वंदन फिर दास्य, फिर सख्य, दास्य भाव का पर्यवसान कालांतर में सख्य में हो जाता है, सख्य भाव की जब प्रगढ़ता हो जाती है तो पूर्ण रूप से समर्पण हो जाता है भगवान के प्रति।
अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम। वो एक स्मरण हुआया, इसलिए संभवतः जन्मभूमि में राधे कृष्ण का मंदिर होगा घर के कुछ पास, पड़ोसी ब्राह्मण। तो लगभग 4 साल का था उन दिनों, मेरे ख्याल में पिता माता दोनों जीवित थे, बाल गोपाल नंग धरम थे तो पड़ोसी, लेकिन बीच में तालाब इधर बाग, तो पड़ोस भी हमारे लिए बहुत दूर बन जाता था। उधर जाएं तो उधर जाएं तो तालाब भी था, बाग भी था, फिर एक दूसरा तालाब था, ऐसे थोड़ी दूर पार दूरी से तो 2 फरलांग, लेकिन उस मोहल्ले में जाना होना प्राय होता ही नहीं था, कोई ले भी नहीं गए थे। एकाएक चला गया बचपन में अकेले, कोई साथी नहीं, या कोई उस मोहल्ले में ले भी नहीं गया, उस मोहल्ले से आना जाना प्राय कम था। बड़ी बहन की एक सहेली उस परिवार में रहती थी, लेकिन वो बड़ी बहन भी कभी ले के नहीं गई थी। तो मैं, राधा कृष्ण का मंदिर अब होगा या नहीं, यहाँ मंदिर है, तो सामने खड़ा हो गया नंग धरंग, 4 साल का था या 3 साल का, 4 साल का तो होगा, एक नंग धरंग आ गए दोनों कंधों पर हाथ रखा। कभी कभी मैं एकांत बुलाना देता हूँ कि कंधे वही हैं जिस पे आपने हाथ रखा था कभी एकांत में। उन्होंने कहा, हमार गहना हेरा गेल, कतौ देखलहुँ हैं, कतौ देखलहुँ, क्या हुआ, चोरों ने घुस करके चांदी के जो उनके यहाँ क्या बाली क्या बोलते कड़ा, हाँ कड़ा राजस्थान पंजाबी लोग होते, वो किस चोर ने चुरा लिया था। अब वो बात फैली भी नहीं थी, किसी को मालूम नहीं, हमको क्या मालूम, हमार गहना हेरा गेल कतौ देखलहुँ हैं, देखलहुँ हमारे गहने की हेरा गए, चोरी कहते तो चोर कैसे कहेंगे चोरी हो गई, हमारा गहना हेरा गया है, खो गया है, कहीं देखा है आपने सखा राज। अब हमको तो अच्छा भी, अब आए पिताजी से कहें, माताजी से कहें, बहन जी से कहें, हमारे भगवान का गहना खो गया है, कहीं देखा है। रात भर पिता माता को सोने नहीं दिया, यही रटते रहे, हमार गहना हेरा गेल कतौ देखलहुँ हैं। तो बहन को भाई क्या भूत लग गया इस पर, तो दैव योग से भगवत प्रेरणा से वहाँ, अरे ये उस बच्चे को कैसे मालूम पड़ा, कल रात में चोरी हो गई थी भगवान के आभूषण की ये है, इसीलिए बहुत ऊंची। तो हम कभी कभी उलाहना देते हैं, ये कंधे वही हैं जिस पे दोनों हाथ रख के आपने बचपन में मुझे स्नेह दिया था। तो सख्य भाव है, आत्मनिवेदनम सर्वतो भावेन भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धात तन्मन्ये धीतमुत्तमम। मन्ये कहा, अर्थात गुरुओं ने, आपके द्वारा नियुक्त गुरुओं ने जो शिक्षा दी हो रहने दीजिए, हम जिस शिक्षा को सबसे उत्तम मानते हैं पिताजी, उसको सुन लीजिए। क्या आपके द्वारा नियुक्त शिक्षकों ने जो शिक्षा दी हो पिताजी, रहने दीजिए। पूर्व गुरुओं ने, पूर्व जन्मों के गुरुओं ने, गर्भगत जब मैं था उस समय के गुरु ने जो शिक्षा दी, जो मेरे मन में मेरी बुद्धि में सन्निहित है, उसको सुन लीजिए। तन मन ये धीतम उत्तमम, उसी को मैं उत्तम अध्ययन समझता हूँ। अर्थात गुरु गुरु हैं, वही गुरु हैं, गुरु न सस्यात् श्रीमद्भागवत, वह गुरु गुरु नहीं, माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, सन्मुख मृत्यु से जो बचाने में समर्थ न हो, तो वही उत्तम है। अगर कोई गुरु भगवान विष्णु की आराधना से विमुख करते हैं या विमुख रहते हैं, तो उसे मैं उत्तम नहीं समझता। अब फिर क्या था, जिसको नहीं सुनना चाहते अपने ही पुत्र के मुख से उसे सुनना पड़ा।
इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतमुत्तमम्। इस प्रकार पिताजी भगवान के प्रति समर्पण हो, नौ प्रकार की भक्ति की जाए, उसे मैं उत्तम अध्ययन समझता हूँ। भव सिंधु से तारने में समर्थ। निशम्य सुतवतो मचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुपुत्रमुवाचेदं रुषा प्रस्फुरिताधरः। वो बैतन भोगी, दोनों गुरु भी थे, काटो तो खून नहीं। अरे मैंने कब इसे पढ़ाया, अब ये क्या बोल दिया, यातना तो मुझे दी जाएगी, डांट तो मुझे पड़ेगी, इसने क्या कह दिया। लेकिन क्या करते, प्रहलाद को जो कहना था कह दिया, गुरुजी पर जो बीते वो बीते। यह बात सुन ली प्रहलाद की, क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप के ओठ फड़कने लग गए, रुषा प्रस्फुरिता धरह, ओठ फड़कने लग गए। गुरुपुत्र मवाचे दम, गुरुपुत्र क्या अर्थ हुआ, हिरण्यकश्यप तो अपना गुरु किसको मानते थे, शुक्राचार्य को, लेकिन प्रहलाद आदि के गुरु कौन हो गए, गुरुपुत्र कौन, संडामर्थ अपने गुरु के पुत्र को कहा, ये क्या किया, ऐसी शिक्षा तुमने दे दी मेरे शत्रु विष्णु की आराधना तुम सिखाने लग गए, उसे अब गाली दे दी। ब्रह्म बंधो किमेतत् ते विपक्षम शयता सता असारम ग्राहितो बालो मामनाधृत्य दुर्मते। ब्रह्म बंधो भी कह दिया, दुर्मते भी कह दिया। लो जी, गुरुपुत्रों की अच्छी खबर ले ली। ब्रह्म बंधो का अर्थ क्या है, छात्र बंधु परीक्षित ने अपने लिए कहा, क्षत्रिय जिस कुल में उत्पन्न हो, क्षत्रिय उसके बंधु बांधव लगते हों, लेकिन क्षत्रियोचित शील से रहित हो, तो निंदा के अर्थ में क्षत्र बंधु कहा जाता है। ब्रह्म बंधु प्रशंसा के अर्थ में भी है, निंदा के अर्थ में भी। बस ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, ब्राह्मण सके संबंधी लगते हैं, लेकिन ब्राह्मणोचित शील सौजन्य से संपन्न नहीं है, यहाँ निंदा के अर्थ में है। ब्रह्म बंधो कह दिया, दुर्मते भी कह दिया। लो, वेतन भोगी होंगे तो गालियाँ तो सुननी पड़ेगी। हे नीच ब्राह्मण, लो हीन ब्राह्मण, ब्रह्म बंधु, ब्राह्मण क्या हो, ब्रह्म बंधु हो, बढ़िया उपालंबन लिया। किमेतत् विपक्षम सहयता सता असारम ग्राहितो बालो मामनाधृत्य दुर्मते। अरे दुर्मते, दुर्बुद्ध, मैंने जो तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए कहा था, मुझसे भी डरे नहीं तुम लोग, मेरी भावना आज्ञा का कुछ ध्यान न रखते हुए इस बच्चे को निस्सार शिक्षा तुमने दी, जिसका उपयोग न लोक में है न परलोक में है, जीवन को व्यर्थ करने वाली, दिशाहीन करने वाली शिक्षा, बड़ी विकट बात, सर्वथा विपरीत बोध होता है। फिर क्या किया, ब्रह्म बंधो की मत किमेतत्ते विपक्षम सयता सता, तुम असन मार्ग पर चल रहे हो, विपक्ष के पक्षधर हो, विपक्ष के पक्षधर हो, बेचारे डांट भी खाए, बड़ी विकट बात। असारम ग्राहित बाला, असारम ग्राहितो बालो मामनादृत्य दुर्मते, मेरे भावना का सर्वथा अनादर करते हुए उसे ताक पर रखकर बिल्कुल असार शिक्षा तुमने दी। भगवान की भक्ति कोई सार नहीं, जीवन को व्यर्थ करना हो तो राम राम रटो।
वो अलग विद्यापीठ है, अलग विद्यालय। असारम ग्राहितो बाला है, एक हिंदू धर्म का अत्यंत पक्षधर प्रचारक कल टाई लगा के बोल रहे थे, दैवोग से बाल यहाँ तक थे नहीं, नहीं तो बाल को भी बड़े विचित्र ढंग से सजाते, बाल ही नहीं तो सजाते क्या। और बड़े ढंग से हाँ वर्णाश्रम का निराकरण करते हुए और हिंदू धर्म के तन प्रचारक के रूप में अपने को ख्यापित कर रहे थे। ऐसा ही है ना, और शिक्षा पद्धति अंग्रेजी माध्यम से हो, हिंदी संस्कृत की बात ही नहीं। वाह, कम से कम नेपाल के प्रधानमंत्री ने हिंदी से परहेज करके संस्कृत शिक्षा अनिवार्य कर दी। अच्छा। चलो इसी बहाने से, लेकिन वो तो कहते अंग्रेजी में पढ़ाओ, अंग्रेजी काम देगी, हिंदी संस्कृत से कुछ लेना देना नहीं। और धर्म के प्रचारक हाँ कई देश में छाए हुए, क्या धर्म की शिक्षा देते होंगे टाई ही जाने। टाई टाटा। बड़ी विचित्र बात, ब्रह्म बंधो कि मेद तत्ते विपक्षम सयता सता असारम ग्राहितो बालो मम माम अनादृत्य दुर्मते असारम ग्राहिता। भगवान की आराधना, विष्णु की आराधना को हिरण का सपने का असार, ये बहुत गंभीर करुण प्रश्न है। बाहर से तो लगता है प्रसंग है, कौन बोल रहा है, हिरण का सप कौन थे, भगवान विष्णु के पार्षद अन कर्म कहाँ फेंक दे। भगवान शंकराचार्य ने छांदोग्य भाष्य में कहा, दुर्भाग्य को कर्म सुभाग बना देता है, सुभाग्य को दुर्भाग्य बना देता है। भगवान विष्णु के जब ये पार्षद रहे होंगे, जय विजय में से एक हैं, ये छोटा भाई तो रणयाक्ष मार दिया गया, तब विष्णु भगवान को ही सुनते होंगे क्या। अब विष्णु भगवान को सुनना कहना असार, विष्णु निस्सार, उनके लिए जीवन का वाणी का मन का उपयोग करना व्यर्थ, कितनी विपरीत बुद्धि हो गई। वैकुंठ में जाकर भी व्यक्ति तनिक सा प्रमाद हो जाए, जिसके लिए सर्वस्व अर्पण करने वाला भगवान विष्णु के लिए सब कुछ समर्पित किया होगा, तब तो वैकुंठ गए होंगे, पार्षद बने होंगे देहत्याग के बाद। वो आज कह रहे असारम ग्राहितो बालः, तुम्हारे द्वारा इस दुदुहे बच्चे को निस्सार शिक्षा दी गई। निस्सार जो विष्णु है, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, वो कहता संसार का सार कोई है तो विष्णु। सर्वथा विपरीत ना, इसलिए इधर से उधर कोई चला जाए ना 15 दिन के लिए, इधर से उधर कोई चला जाए 15 दिन के लिए, तो कहाँ पचरे में पड़े हो, जीवन व्यर्थ करते हो, वकालत करते थे कम से कम अभी लाखों पर हाथ फेरते। आस्तिक होने पर भी भाई 1 घंटा 1.5 घंटा भजन करना चाहिए, आस्तिक यही कहेंगे ना। अब जीवन भी समर्पित कर दिया, ये ठीक नहीं। असारम ग्राहितः, असार वहाँ है, संसार सारम भुजेंद्र हारम, संसार के सार कौन है, भगवान। यहाँ असार, गीता का 16वां अध्याय ले लीजिए, असत्य से प्रतिष्ठित अपरस्पर संभवम, जगत की प्रतिष्ठा सत्य नहीं असत्य है, भगवान विष्णु असार। लो जी, संसार के सार नहीं असार है। संति असाधवो लोके दुर्मैत्राश्छद्मवेशिण तेषा मुदे त्यघम काले रोग प्रातनिकामिव। विचित्र आक्रोश वेदना पूर्वक कहा, हमारे बेटे की बुद्धि खराब कर दी इन गुरुओं ने, गुरुपुत्रों ने, और गालियां दी, असाधवा कह दिया। संसार में ऐसे असाधु दुष्टों की कमी नहीं है, जो मित्र का बाना धारण करके छिपे छिपे शत्रु का काम बनाते हो। बताइए,
अब बेचारे गुरुओं की क्या गलती थी, तो निसर्ग सिद्ध दास था, लेकिन गाली सुननी पड़ी। बहुत विचित्र सा मुदे त्यगम काले रोग प्रातनिकामी वह, बहुत विकट वचन है, रोग प्रातनिकामी वह, छिप छिप कर पाप करने वाला, छिपकली छिपकली मार्ग का जिसका जीवन है, छिप जाए और लपक के खा ले, प्रातनिकामी वह, छिप छिप कर पाप करने वाले का पाप जब असाध्य रोग का धारण रूप धारण कर लेता है, तब जग जाहिर हो जाता है रोग, फल बल कल्प है किसने छिप कर पाप किया होगा पूर्व जन्म में या इस जन्म में। इसी प्रकार से ऐन मौके पर अवसर पर ऐसे छद्म वेशधारी असार को सार बताने वालों की पोल पट्टी समय पर खुल ही जाती है। आज इस प्रहलाद के ब्याज से तुम दोनों की पोल पट्टी खुल गई, तुमने इसे असार विष्णु का ओ सार न बताया होता तो दूध वहाँ बच्चा मेरे सामने ऐसा अनर्गलक प्रलाप क्यों करता। तुम हिरण्यकश्यपु के द्वारा मेरे द्वारा पोषित वेतन भोगी हो, या कहीं विष्णु के यहाँ से कुछ चांदी सोने के सिक्के तुम्हें को मिलते हैं? लगता है कि तुम्हारे यहाँ गुरुकुल में शिक्षक हो करके शिक्षा पद्धति किसी और के द्वारा तैयार की हुई देते हो। बेचारे को डांट पड़ गए। गुरुपुत्र उवाच, नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम, बहुत बढ़िया श्लोक, नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदत्ये सतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीय मतिरस्य राजन् यच्छ मृत्युं कददास्मनः, नियच्छ मन्युं कददास्मनः। पाली पी लें, बहुत अच्छा कहा। इंद्र शत्रु, इंद्र को आप शत्रु मानते हैं, इंद्र आपके शत्रु हैं, इंद्र के आसन को ही तो छीन लिया था। आपका पुत्र इस प्रहलाद ने, प्रहलाद ने जो कुछ कहा मेरे द्वारा प्रशिक्षित नहीं है, किसी और के द्वारा भी प्रशिक्षित नहीं है, बहकाया हुआ नहीं है, फिर क्या है? नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, हे राजन, यह तो इसकी जन्मजात नैसर्गिकी स्वाभाविकी प्रीति है, बुद्धि है, इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। नियत समन्युम कददास्मन मानः, आप क्रोध को शांत कीजिए, खामखा हम पर क्रोध मत कीजिए, व्यर्थ में हम पर दोषारोपण मत कीजिए, मैंने कभी इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी, आपके घर में भी इसको इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी गई, इसके साथी जो हैं वो सब उसी विद्यालय के विद्यार्थी हैं जहाँ विष्णु की चर्चा भी नहीं की जाती, आप तो कैसे देंगे? इसका मतलब नैसर्गिक की प्रीति प्रवृत्ति के विषय इसके कौन हैं? भगवान विष्णु हैं जिनसे आप चिढ़ते हैं वो, यह बड़ी विचित्र बात है। अब वो जिससे परहेज करते हैं वो घर में ही घुस जाए तक, जिससे परहेज करते हैं वो घर में ही घुस जाए, यही स्वस्थ क्रांति का स्वरूप है। स्वस्थ क्रांति का स्वरूप यह है कि भगवान ने कही दिया था देवताओं को, अरे उसको एक ऐसा पुत्र दूंगा ना कि उसी से भिड़ने के व्यामोह में, उसी के दमन के व्यामोह में मारा जाएगा। मेरे प्रिय भक्त और अपने पुत्र को जब वो यातना देगा तब मुझसे नहीं रहा जाएगा, मैं मार दूंगा उसे, चिंता मत करो। यह है, यह स्वस्थ क्रांति का स्वरूप है।
क्या मतलब, कभी कभी हम कहा करते हैं अपने मित्र को मित्र ही समझिए, लेकिन काम बनाने वाला जो अन्य मित्र है वो शत्रुओं के खेमे में ढूंढिए। विभीषण कहाँ मिले? रावण के खेमे में। अक्रूर कहाँ मिले? उद्धव कहाँ मिले? कंस के खेमे में। क्या बहुत बढ़िया। ऐसे ही कम्युनिस्टों के खेमे में ऐसे व्यक्ति हैं जो कम्युनिस्ट नहीं हैं। नेपाल की क्या स्थिति है? जब प्रचंड का प्रचंड शासन चल रहा था उस समय 17 साल के 16 साल के युवक मरवा दिए जाते थे जो भगवान के भक्त थे, सनातनी थे। माताओं ने कहा कि बेटा, परिवार की प्राण की रक्षा के लिए तुम कम्युनिस्ट हो जाओ। कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले वो युवक अब सयाने हो गए हैं। बाहर से कम्युनिस्ट हैं, अंदर से वो बात जो होते हैं कि यह जो दीनता दरिद्रता पूर्ण आक्रोश पूर्ण दिशा हीन शासन तंत्र नेपाल का है, कम्युनिस्टों के हाथ में ये उच्छिन्न हो। एक माथुर आते थे हमारे पास, मेजर रहे थे वो, अब नहीं आते हैं। और एक महिला धर्मगुरु थी किसी देश में, उसको भी लेकर आए थे। अब माथुर जी जीवित हैं या नहीं, या कहीं से प्रतिबंधित हो गए होंगे, ऐसा भी लगता है। तो हमारे पास सूचना 15 साल पहले भी थी, अमेरिका इत्यादि में जिनके 4 करोड़ पूर्वज मरवा दिए गए थे सब मिलाकर, वे सब प्राण बचाने के लिए क्रिश्चियन बन गए प्रचारक। अब वो बात जो होते हैं कि कोई माई का लाल भारत का ऐसा हो तो ईसा मसीह के नाम पर जो बवाल उत्पन्न करने वाले, सेवा के नाम पर शोषण करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी कूटनीति पर पानी फेरे। उन्होंने संकेत किया था कि भारत की ओर हमारा ध्यान है। मैं एक संकेत करके वचन को विराम दूं। टेरेसा जी का राज्य था, नरसिंह राव जी भारत के प्रधानमंत्री थे, हिंदुओं से क्रिश्चियन बनाने वालों को अनशन करने के लिए टेरेसा जी ने प्रेरित किया जंतर मंतर दिल्ली में। वे लोग अनशन पर बैठे, उनका नाम क्या था सामूहिक? दलित क्रिश्चियन। तो मैंने टिप्पणी की, हिंदुओं को तुमने क्रिश्चियन इसलिए बनाया, तुम्हें सम्मान नहीं प्राप्त है और संपत्ति प्राप्त नहीं है, स्नेह सम्मान संपत्ति से विहीन हो, क्रिश्चियन बन जाओ। और टेरेसा जी ने स्वयं नरसिंह राव को पत्र भी लिखा था। तो मैंने टिप्पणी की थी, ए हिंदुओं, तुम जो क्रिश्चियन बनाए गए, दलित के दलित रह गए। तुम्हारा नाम हमने तो दलित नहीं रखा, दलित क्रिश्चियन तो टेरेसा ने रखा ना, और आरक्षण की मांग सिद्ध करती है कि तुम्हारी दरिद्रता भी दूर नहीं हुई। तो दलित भी हो गए और दलितता भी दूर नहीं हुई, तुमको ठगा गया या नहीं? टेरेसा के पास लोग पहुंच गए जो पुरी के शंकराचार्य ऐसा कहते हैं, बहुत शील का परिचय दिया, पूज्य हैं, हाथ जोड़ती हूँ, उनके विरोध में मुख खोलना उचित नहीं समझते, इतने साधुता का परिचय तो दिया था। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि न सम्मान मिला, न सुविधा मिली, न स्नेह मिला, दलित के दलित ही रह गए। इसलिए हमने संकेत किया कि बहुत ऊंची बात है, अभी मैं नहीं, स्वयं को भी वो कहते थे, आजकल वो शब्द प्रतिबंधित है, लेकिन वो स्वयं को कहते थे। कुछ महीने पहले ही
डोम राजा काशी का शरीर पूरा हुआ है कुछ महीने पहले। उससे पहले उन्होंने वक्तव्य दिया था, कोरोना में लोग मरते कम हैं, तो हमारी यजमानी पर ही आघात है, बेचारे स्वयं ही मर गए, बड़ी दिक्कत। हरिश्चंद्र घाट और मीर घाट काशी में दो शवदाह के केंद्र हैं, मणिकर्णिका, हाँ मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट दो काशी में शवदाह के केंद्र हैं। काशी के बाहर से भी मुर्दे आते हैं, शव आते हैं, दो शमशान में जलाए जाते हैं। वहाँ मुँह मांगी दक्षिणा शमशान के जो परंपरा प्राप्त स्वामी होते हैं, पुरानी भाषा में डोम राजा, अब आप दलित राजा कह दें, कुछ भी कह दें, मैंने उनको देखा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो लेते हैं। इतिहास है या गप सप नहीं है, हरिश्चंद्र किस युग में हुए, कृतयुग की गाथा है। काशी में हरिश्चंद्र को परिस्थितिवश स्वप्न में दिए हुए वचन के अनुसार बिकना पड़ा, तो खरीदने योग्य संपत्ति किसके पास थी, श्मशान के ठेकेदार पुरानी भाषा में डोम राजा के पास थी या नहीं, इसका अर्थ है कि उस समय कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इतने समर्थ आर्थिक दृष्टि से नहीं थे। ये लीजिए पुराना इतिहास, ये बरगलाया गया या नहीं। इतिहास इसलिए कि उनकी वंश परंपरा में जो राजा थे शरीर पूरा हुआ है। एक विचित्र घटना है, आप लोगों को नहीं मालूम, हमारी आँखों के सामने पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री कर्पात्री जी महाभाग का शव जलयान पर नौका पे रख दिया गया था। गंगा जी में सैकड़ों नौकाएं थीं, भक्त लोग आए थे और हमारे पदासीन आचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाभागपुरी पीठ के शंकराचार्य स्वयं अपने कर कमलों से कुछ गुरुदेव के शरीर को गंगा जी में विसर्जित करने की तैयारी कर रहे थे। इतने में बहुत ऊंचे जलयान स्टीमर पर, वो भी ऊपर गद्दी लगाकर, एक युवक जो अभी शरीर छोड़े, 82 की घटना है, जोर से बोले, हे शंकराचार्य क्या कर रहे हैं धर्म विरुद्ध। अब पुरी के शंकराचार्य श्री रंजन देव जी महाराज, उनके लिए कोई कहे धर्म विरुद्ध, अरे राम वो एक कौन बोल रहा है, सबने कहा महाराज डोम राजा हैं। अच्छा अच्छा आओ आओ आओ, अच्छा आओ, क्या है कहो, आप धर्मशास्त्र को जानते हैं, स्वामी कर्पात्री जी महाराज धर्म सम्राट का शरीर पूरा हुआ है, सन्यासी परिव्राजक, गंगा पर तो हमारा अधिकार है ना, यहाँ शमशान, हमको दक्षिणा दिए बिना आप प्रवाहित नहीं कर सकते, आप धर्मशास्त्र के जानकार, हमको दक्षिणा दीजिए। हाँ महाराज, अरे बेटा ठीक कहा तुमने, तुम्हें देखा नहीं था, पहचानते नहीं थे, बुरा मत मानो, क्या दक्षिणा लोगे। कर्पाती जी महाराज के गले में जो रुद्राक्ष की माला है, एक मुझको दे दीजिए, यही दक्षिणा थी। महाराज तो पानी पानी हो गए, बेटे ऐसे कहा, देखो 10,000 लगभग उनके शिष्य गंगा जी में नौका पर हैं, फिर आपस में लड़ पड़ेंगे, मैं अपनी एक माला रुद्राक्ष की इनको छुआ के महाराज के श्री विग्रह को देना पसंद करता हूँ, लोगे आप। हाँ महाराज, उनके शरीर को छुआ दीजिए, अब मेरी अनुमति है, आप स्वामी कर्पाती जी महाराज पूज्यपाद के श्री विग्रह को गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। यह है देखिए, हमारी आंखों के सामने की घटना है यह, इसका मतलब क्या है,
या जब विकृत करके इतिहास को प्रस्तुत किया गया, नया इतिहास है ये, विलासी का है। एक और संस्मरण सुना दूं, देश का विभाजन हुआ, आज जिसको पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ पर आज के मायावती जी की भाषा में जो दलित कहे जाते हैं, गांधी जी की भाषा में जो हरिजन कहे जाते हैं, हम लोग जिनको छोटा भाई अंत्यज कहते हैं, वे पाकिस्तान में मुसलमान बन के रह सकते थे अगर उनको उत्पीड़ित किया गया होता तो। पाकिस्तान छोड़ के भारत में हरिजन आप कहें तो, दलित कहें तो, अंत्यज कहें तो, जो नाम आपको पसंद हो, बन के रहने के लिए आया है या नहीं? अगर उनको उत्पीड़ित किया गया होता तो पाकिस्तान में मुसलमान बन के रह सकते थे, लेकिन नहीं, हम भारत में रहेंगे और भारत में भी जिस वर्ण में उत्पन्न हुए हैं, भगवान ने जन्म दिया है, उसी वर्ण में रहेंगे। तो ये सब नेताओं ने, और एक विचित्र अर्थ आर्थिक दृष्टि से मैंने बात की, फिर सुन लीजिए, जितने कुटीर उद्योग लघु उद्योग किनके हाथ में थे? चप्पल बनाते थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या? नहीं ना, चप्पल जूता वस्त्र कौन बनाते थे? सारे कुटीर उद्योग लघु उद्योग जिनको आजकल आप आरक्षण में अधिकृत मानते हैं, उनके हाथ में था या नहीं? वैश्य उचित लाभ देकर उनसे खरीदते थे, उचित लाभ लेकर के बेचते थे, लेकिन आय का जो स्रोत है कुटीर उद्योग लघु उद्योग, बर्तन बनाना, जूता बनाना, वस्त्र बनाना, ये सब। अच्छा, बांस के बर्तन सही, अब तो पीतल आदि के बर्तन बनने लगे, पहले बांस के बर्तन का अधिक, वो तो 2 साल 4 साल से ज़्यादा नहीं खपते, फिर बनाए तो आमदनी किसके पास जाती थी? अच्छा, आजकल जो नर्स का काम करती हैं, घर में जब प्रसूति का स्थिति होती थी तो उसी परिवार के व्यक्ति आती थी या नहीं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, अच्छा एक विचित्र बात है, मुसलमानों के यहाँ शव पर जो रेशमी वस्त्र चढ़ाया जाता है वो कौन लेते हैं? मुल्ला लेते हैं उनके यहाँ? हमारे यहाँ कितना सम्मान है, अमुक रोग हो तो दलित परिवार के व्यक्ति जिसको आजकल कहते हैं प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे के उचित स्थान पर बैठाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडवों तुम्हारा यज्ञ तब तक पूर्ण सफल नहीं होगा जब तक उस परिवार के व्यक्ति जो तुम्हारी राजधानी में झाड़ू लगाते हैं, हमारे भक्त हैं, निमंत्रण दो आस्थापूर्वक उचित स्थान पर बैठा करके द्रौपदी अपने हाथों भोजन बनावे, उनको परोसे, तब तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा। महाभारत इतिहास की बात है। नहीं, भगवान की आज्ञा है, निमंत्रण दिया गया, बैठाया गया, भोजन परोसा गया, भगवान क्या शिक्षा देना चाहते थे? अनेकों प्रकार के व्यंजन सबको मिला के एक साथ द्रौपदी ने कहा, देखिए पांडवों ने कहा क्या शिक्षा दी, जीव के चटोरे हम नहीं, मीठा है तो नमक है तो सबको मिला के पाया। और भगवान का अनन्य भक्त थे, स्वे स्वे कर्मण ये भी रहता है, समय हो गया बहुत, हमने संकेत किया, जब फल से किसी को वंचित नहीं किया गया, द्वेष मूलक की व्यवस्था नहीं, और आजकल कोरोना ने तो अपने शरीर के विविध अंगों से भी परहेज करने के लिखा है, कब छूवें कब न छूवें, छूने के बाद कितने बार हाथ धोवें, किस ढंग से धोवें। तो अब धीरे धीरे रोग के नाम पर सही सनातन धर्म की दार्शनिकता, वैज्ञानिकता, व्यावहारिकता सबके सम्मुख विश्व स्तर पर आ रही है नारायण।